श्रावण मास महात्म्य अध्याय 9। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था और अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और वह अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। वह कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह चली गई। तत्पश्चात रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने में ही स्थिर थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों में पट्टी बांध दी और प्रसव के अनंतर उस पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी न जान सका। तदनंतर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए। उसने अपने साथ लाए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया। अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना, संतान न हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा है कि तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ प्रदान किए। उन नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। तत्पश्चात राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। भीत पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनका पूजन करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका तथा कहा, हे जीवंती, हे करुणार्णवे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए जाने की तैयारी करने लगे। तब राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उन्होंने कारपटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया और उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले कष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार डाला था। राजा भी उस समय 5वें ही दिन वहां गए हुए थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए कष्ठी आई। जीवंतिका देवी ने उस खष्टी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह खष्टी जैसे आई वैसे चली गई। इस प्र...
प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को पांचवें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये इतने प्रभाव वाले हैं, ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थित हुए। वहाँ पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए। तब पिंडदान के समय विष्णुपद पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए दो हाथ निकल आए। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित और दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह पांचवा दिन था। वह जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ था उसे लेने के लिए रात में खष्टी आई। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस खष्टी ने उससे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इनकी रक्षा करती हो। तब खष्टी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे, अतः उन्होंने जीवंतिका और खष्टी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंतिका ने कहा, हे खष्टी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती हैं और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती हैं। वह सब मैं बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ियां भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। वह यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं, अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए वहाँ पर आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती हैं? इस पर उन्होंने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी भी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात को राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका हेतु शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों, जीवंतिका तथा खष्टी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों के दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तदनंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन
राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दो हाथ कैसे निकल आए। तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमो नारायण।